हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सोलो कॉन्करर लॉबी गेम प्ले वीडियो। में गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मेरे को अपना रैंक और टियर यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना, और यहाँ पे किसी भी बंदे को रैंक पुश से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को यहाँ पे एक बार जरूर से बता देना। अभी देखो यहाँ पे जो अपनी एसटी वन की फाइट है वो भी यहाँ पे एकदम मस्त चल रही है। एंड अभी यहाँ पे अपने को मुश्किल 350 या 400 पॉइंट्स और चाहिए यहाँ पे एसटी वन के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे जो अपना हैशटैग बना है वो यहाँ पे कितने दिनों तक हो पाता है। बस यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी कराने ना जाए वापस से। तो फिलहाल बढ़ते हैं यहाँ पे आज के सीधा गेम प्ले की तरफ। आज की वीडियो में ना यहाँ पे दो गेम प्ले रहने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो दोनों गेम प्लेज है ना, इन दोनों मैच के यहाँ पे जो लास्ट जोन की फाइट रहने वाली है, मतलब कि यहाँ पे जो लास्ट फाइट रहने वाली है ना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा मजेदार रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल इस वाले गेम में यहाँ पे क्या सीन था कि यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे मिलिट्री बेस की साइड बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात थी नहीं, बिकॉज यहाँ पे अपने पास डीआरएम रहता है तो अपन यहाँ पे इजिली ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे पूरा ओपन में बना हुआ था, तो यहाँ पे अपन जोन के सेंटर में तो जा सकती थी नहीं, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे जोन के एच पे। एंड यहाँ पे जैसे आता हूँ मेरे को यहाँ पे ओपन में एक बंदा स्पॉट होता है। अभी इस बंदे पे यहाँ पे कोई विकल रहती है नहीं, तो ये बंदा यहाँ पे कुछ कर भी सकता था नहीं। अभी इस बंदे को यहाँ पे किल कर देते हैं। एंड अभी इस बंदे को यहाँ पे किल करने के बाद यहाँ पे जो बंदा ब्रिज पे होल्ड कर रहा था, ये बंदा यहाँ पे उड़ के जोन के अंदर आने का डर करता है। फिलहाल इसको भी यहाँ पे इजिली किल कर देते हैं। अब यहाँ पे बंदे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे कहीं भी होल्ड करने लग जाते हैं। वो लोग ये नहीं देखते कि वो पोजीशन यहाँ पे होल्ड करने लायक है भी कि नहीं। फिलहाल इस बंदे के साथ यहाँ पे गलत सीन हो जाता है, इसके मैं यहाँ पे गाड़ी के टायर फोड़ देता हूँ, जिससे जो बंदा रहता है यहाँ पे जोन के बाहर ही फंस जाता है। एंड इसको भी यहाँ पे इजिली क्लिक कर देते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो अगला जोन था वो यहाँ पे अपने से शिफ्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ इस जोन के अंदर निकल जाता हूँ। अभी जो कैप्सूल है ना, इसके यहाँ पे एक फायदा भी एंड एक नुकसान भी। फायदा ये कि यहाँ पे आपको सामने से गोली नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे जैसी कैप्सूल को घुमाया भाई, यहाँ पे जो गोली चिपकती है ना, यहाँ पे कोई भी बंदा 2 सेकंड में बंदे को गिरा देगा। यहाँ पे मेरे को हल्का सा थोड़ा सा जोन के अंदर और जाना था, तभी मेरे को यहाँ पे सामने की साइड स्मोक दिखता है, तो मैं यहाँ पे जस्ट रैंडम स्प्रे लेता हूँ, जिससे जो बंदा रहता है यहाँ पे इजिली किल हो जाता है। तभी यहाँ पे जो लेफ्ट वाले कंपाउंड रहते हैं ना, वहाँ पे एक बंदा किसी और बंदे को देख रहा रहता है। फिलहाल इन दोनों बंदों को यहाँ पे किल कर देते हैं एंड मैं भी यहाँ पे इस जोन के अंदर आ जाता हूँ। एंड जैसे इस वाले कंपाउंड में आता हूँ, यहाँ पे दो बंदों की फाइट चल रही रहती है। एंड यहाँ पे जो सीन अपने साथ होने वाला है ना, बस देखते जाओ। भाई साहब, इस बंदे पे मैं यहाँ पे नेट कर रहता हूँ, लेकिन इस चीज़ का मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया था नहीं कि ये बंदा यहाँ पे अपने पे सीधा पुश करने के लिए आ जाएगा। वो तो अपन यहाँ पे बाल बाल बच जाते हैं। यहाँ पे कैसे था कि यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे पूरा का पूरा राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, एंड वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा होल्ड कर रहता है। अभी ये जो बंदा रहता है ना, यहाँ पे अपने बीआरएम को पूरी तरह से फोड़ देता है, वो तो अपन इस बंदे को यहाँ पे टाइम से फोड़ देते। एंड अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे बाकी थे जिनके यहाँ पे आपस में फाइट भी हो जाती है।
एंड यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को किल भी कर देता है। एंड अभी यहाँ पे सिर्फ 1v1 की फाइट बची थी, तो देखो अभी जो बंदा रहता है यहाँ पे जोन के अंदर आ जाता है। एंड मेरे को यहाँ पे इतना तो मालूम था कि बंदा यहाँ पे अपने पे नेट तो जरूर से करेगा, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी नेट कुक कर लेता हूँ। एंड इसको यहाँ पे नेट से फोड़ देते हैं। फिलहाल इस वाले गेम में यहाँ पे अपने को 11 किल के साथ 24 का प्लस मिल जाता है। तो बढ़ते हैं आज के सीधा सेकंड गेम प्ले की तरफ। अब इस वाले गेम में यहाँ पे जो जोन था वो यहाँ पे सिवरनी की साइड बना हुआ था। तो यहाँ पे काफी देर जोन के बाहर रोड करने के बाद यहाँ पे जैसी फोर जोन बनता है, मैं यहाँ पे इस जोन के अंदर पोजीशन निकालने के लिए आ जाता हूँ। वाला जो शेक रहता है अपने को यहाँ पे लकीली खाली मिल जाता है। एंड यहाँ पे जैसे आता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के बाद पीछे हिल पे एक बंदा आके होल्ड करने लग जाता है। एंड पता नहीं बंदा यहाँ पे ओपन में क्या कर रहता है। एंड अभी इस बंदे को यहाँ पे किल करने के बाद यहाँ पे जो सामने शेक रहता है वहां पे एक बंदा होल्ड कर रहता है, जो कि यहाँ पे किसी और बंदे पे यहाँ पे ओपन में जाके स्प्रे ले रहता है। इसको मैं यहाँ पे गंदा वाला डैमेज दे देता हूँ, तो इस बंदे को यहाँ पे कामयाबी से किल करने में कोई दिक्कत होती है नहीं। अब यहाँ पे देखते देखते जो जोन था वो यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा हो चुका था। एंड यहाँ पे जो बंदे थे ना वो यहाँ पे रोटेशन दे रहे थे। एंड इन मदों की यहाँ पे आपस में फाइट भी हो रही रहती है, अपन यहाँ पे बैठे बैठे किल्स निकाल रहे थे। फिलहाल अब यहाँ पे दिक्कत की बात क्या हो जाती है कि यहाँ पे जो अपनी 5 की एमओ थी वो यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो देखो अभी यहाँ पे जो आगे का मैच है ना वो यहाँ पे अपन किस तरह निकालने वाले हैं। यहाँ पे मैं सीधा जोन के अंदर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे अपने पास सबसे बेस्ट पोजीशन रहती है, और अभी यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे बाकी थे, जिसमें से एक बंदा यहाँ पे लेफ्ट साइड में कहीं पे होल्ड कर रहता है। एंड यहाँ पे जो दूसरा बंदा रहता है उसका यहाँ पे अभी तक अपने को कोई भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे जो लेफ्ट वाला बंदा रहता है इस पे यहाँ पे एक दो नेट ट्राई करते हैं, जिससे जो बंदा रहता है यहाँ पे इजीली किल हो जाता है। एंड यहाँ पे जो लास्ट बंदा रहता है इसका यहाँ पे अभी तक अपने को कोई भी आइडिया नहीं था। अभी जो बंदा रहता है यहाँ पे अपनी पोजीशन से हिलने का नाम ही नहीं लेता। एनी बंदा यहाँ पे अपने को किल कर सकता था जब मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले बंदे पे स्प्रे ले रहता हूँ। फिलहाल इस बंदे को मैं यहाँ पे किल कर देता हूँ। एंड इस वाले गेम में यहाँ पे अपने को 25 का प्लस मिल जाता है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको यहाँ पे गेम प्ले जरा से भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो मार ही देना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।